हसनगंज क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे डायग्नोस्टिक सेंटरों पर छापेमारी। उपजिलाधिकारी व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों में अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा। शासन के निर्देश पर उपजिलाधिकारी दिनेश कुमार और ACMO ललित कुमार द्वारा संयुक्त टीम बनाकर अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी अभियान चलाया गया। हसनगंज JP अल्ट्रासाउंड सेंटर, श्याम डायग्नोस्टिक सेंटर, DK अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की गई। JP अल्ट्रासाउंड संचालित नहीं पाया गया। वहीं DK अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक को छापेमारी की खबर मिलते ही सेंटर पर ताला लगाकर भाग निकले। श्याम डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित पाया गया, जिसमें संयुक्त टीम ने सेंटर का निरीक्षण किया। उपजिलाधिकारी के द्वारा दस्तावेज, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट व मशीनों का निरीक्षण किया गया। उपजिलाधिकारी हसनगंज दिनेश कुमार ने बताया कि जो सेंटर बंद पाए गए हैं उनका पुनः निरीक्षण किया जाएगा। वहीं सूत्रों की माने तो डायग्नोस्टिक सेंटरों द्वारा आशा बहुओं को मोटा कमीशन देकर मरीजों से दुगनी रकम वसूलते हैं। उन्नाव से दिवाकर सिंह की रिपोर्ट। क्या कमियां मिली हैं इसके विषय में? शासन के आदेश पर जो अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं अवैध रूप से चल रहे हैं या लाइसेंस ही चल रहे हैं या कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, इसको लेकर के आज ACMO और मेरे द्वारा जांच संयुक्त रूप से की गई है। और इसमें 3 सेंटर हसनगंज में पाए गए, जिसमें एक JP डायग्नोस्टिक सेंटर है, दूसरा DK, ये दोनों में संचालन नहीं हो रहा है। और श्याम डायग्नोस्टिक सेंटर की जाँच पूरी तरह से की गई, जो सही पाए गए हैं। जो सेंटर बंद है इसमें से जो JP डायग्नोस्टिक सेंटर है वहाँ पर वो संचालन बंद है। कार्यालय सब खुला तो है, लेकिन अभी वहाँ पर कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है। तो जाँच उसकी हो गई, वो पैरा हमने बंद कर दिया है। पुनः एक बंद पाए गए हैं, पुनः जाँच की गई।